नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के दो ऐसे इम्पोर्टेंट्स टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। एक है हम बीजी सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल ईयर चेंज किस प्रकार से करते हैं, और दूसरा जब हम सेल वाउचर की कोई एंट्री पास हम करते हैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो जब एंट्री पास करते पर जो हमारे पास डेट आती है, इस डेट को हम सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग किस प्रकार से रख सकते हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो हमारा लास्ट सेल वाउचर होता है उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमें डेट है जो शो करता रहता है। और हम चाहते हैं भी जैसे ही हम बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ऑन करें तो जो हमारा सिस्टम डेट होता है, यानी कि जो प्रेजेंट डेट हमारी चल रही होती है, वो डेट ही यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक शो हो जाए, हमें बारी बारी से डेट है जो चेंज ना करनी पड़े। तो दोस्तों, ये सारी बातें इस वीडियो हम आपके साथ प्रैक्टिकल तरीके से शेयर करने वाले हैं कि हमें फाइनेंशियल ईयर चेंज किस प्रकार से हम कर सकते हैं, और फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, और फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना होता है, सब कुछ आपके सामने लाइव और प्रैक्टिकल तरीके से हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर हिट कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे सेल वाउचर की जब हम एंट्री पास करते हैं, तो एंट्री पास करने के दौरान हमने देखा होगा जब भी आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो तो आपके पास जो लास्ट हमारा सेल वाउचर होता है वही डेट हमें यहाँ पर बारी बारी शो करता रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसा कि हमारे पास आज जो सिस्टम की डेट है वो 19 मार्च 2022 है, तो ये हमारे पास 19 मार्च 2022 ही हमें यहाँ पर शो करे जब भी हम बीजी सॉफ्टवेयर को ऑन करें। यानी कि आज अगर हम ऑन करते हैं तो हमें 19 मार्च 2022 ही शो करे, अगर हम कल की डेट में मतलब बीजी सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं तो हमारे पास जो सेल वाउचर की डेट है वो ऑटोमेटिक 20 मार्च 2022 आ जानी चाहिए। यानी कि जिस दिन हमारा सिस्टम डेट है वही डेट हमें यहाँ पर इस सेल वाउचर की जो डेट होती है उसमें शो करे। तो इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाके कुछ सेटिंग हमें करनी होती है, तो इसके लिए हम जाएंगे जो हमारा टैब मेन्यू है ऊपर आपको एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर हम जाएंगे और उसके बाद आपको इस कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पर और दिखाई देगा वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, इस पर हमें क्लिक करना है और इसमें हमें सेट करना होगा सेल वाउचर, सेल वाउचर और मेन पर क्लिक करेंगे, और मेन पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा वाउचर कॉन्फ़िगरेशन का, इस पर हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपके पास सामने यहाँ पर आ जाएगा सेट डिफ़ॉल्ट डेट इन ए वाउचर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लास्ट वाउचर डेट आपको यहाँ पर दिखाएगा, तो हमें इस लास्ट वाउचर डेट को यहाँ से चेंज करके और सिस्टम डेट पर एंटर प्रेस कर देंगे, और हम इसको यहाँ से करेंगे सेव। तो इस तरीके से हमने ये सेल का वाउचर है इसको हमने क्वालिफिकेशन कर दिया। इसी तरीके से आप चाहो तो पेमेंट वाउचर को, रिसिप्ट वाउचर को, सभी को हम एज ए सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। ये हमें तभी करने का फायदा है जब हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंप्यूटराइड करते हैं तब। तो दोस्तों, इसके लिए हम इसको वापस कर देंगे क्विट। तो अभी तो एक बार हमें यहाँ पर जो सेल वाउचर की जो डेट है वो 1 अप्रैल 2021 ही दिखाएगा, लेकिन जैसे ही हम इस बिजी सॉफ्टवेयर को ऑफ कर देंगे और सिस्टम को हम करते हैं ऑन, तो आपके सामने यहाँ पर जो डेट है वो सिस्टम डेट आ जाएगी, जो भी आपके प्रेजेंट टाइम में सिस्टम में डेट अवेलेबल है वो डेट आपको यहाँ पर शो करेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइनेंशियल ईयर के बारे में। तो दोस्तों, अभी देख रहे हो आप हमारे पास जो कंपनी ओपन है उसका जो फाइनेंशियल ईयर अभी 2021-22 का ओपन है, और एक मैंने डेमो कंपनी के नाम से एक कंपनी क्रिएट की हुई है सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पर भी आपको साथ के साथ शो करता रहेगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, आपके कंपनी का जो GST नंबर ये है, यूज़र ये है, आप राजस्थान से हो, और ये आपका जो वर्जन वगैरह कौन सा यूज़ करते हो, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देता रहता है। तो अब हमें फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, तो फाइनेंशियल चेंज करने के लिए हम वापस इसी ऑप्शन पर जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर, और इसके लिए हम ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा चेंज फाइनेंशियल ईयर। तो लेकिन दोस्तों, अगर हमें 2021-22 से 22-23 के सेशन में हमें एंटर करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर उसका डेटा का बैकअप हमें ज़रूर ले लेना है। तो सॉफ्टवेयर में बैकअप लेने के लिए हम कंपनी पे जाते हैं, और कंपनी के इस कंपनी को एक बार मैं क्लोज कर देता हूँ, और उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा बैकअप
डेटा का, तो आपको इस बैकअप डेटा के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद के अंदर आपने कौन सी कंपनी का बैकअप लेना है, सभी कंपनी का लेना है तो आप एक एक कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैं एक डेमो कंपनी का ही ले रहा हूँ, आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर बताना पड़ेगा और उसके बाद में जो भी आपके पास ड्राइव सेफ ड्राइव है उसके अंदर आप ले सकते हो। वाई डिफॉल्ट या सी ड्राइव दिखाएगा, अदरवाइज आप इसके अंदर सी में, इसके अलावा डी में, ई में आप अपने सुविधा के अनुसार इसको बैकअप है जो ले सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर डी और इसका बना दिया फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, और ऑल फाइनेंशियल ईयर ही लेना है। ओके पर हम क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो आपके सामने जैसे ही हमारा बैकअप सक्सेसफुली हो जाएगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा भी डायरेक्टली डी फाइनेंशियल ईयर 21-22 हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि ये ड्राइव हमने क्रिएट कर दिया है। एंटर प्रेस करेंगे, ओके करेंगे तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है जो हो जाएगा। और आपको अनदर कॉपी चाहिए तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप नो कर दोगे। और उसके बाद में वापस हम कंपनी पे जाएंगे, ओपन कंपनी पे जाएंगे और डेमो का उसी कंपनी को वापस ओपन कर लेंगे। देन हम चेंज फाइनेंशियल ईयर के ऑप्शन पर जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये एक ऑप्शन दिखाई देगा, न्यू ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो हमें 1 अप्रैल 2022 यानी कि 22-23 के सेशन में हमें जाना है, तो हम 1 अप्रैल 2022 पे एंटर प्रेस कर देंगे और आपके सामने पूछेगा भी यू आर गोइंग टू क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपसे यहाँ पे एक्टिविटी मांगेगा भी आपको क्रिएट फाइनेंशियल ईयर कर रहे हो तो इसके लिए आपका जो चेक डेटाबेस है, जो आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग किया आपको सभी को अपडेट करना होगा, तो इसके लिए आपको कर देना यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका रिकॉर्ड है वो सारा का सारा रिकॉर्ड स्टेप टू स्टेप ये सॉफ्टवेयर अब अपने आप ही प्रोसेस करता रहेगा। हो सकता है आपके कंपनी के अंदर डेटा ज़्यादा हो तो ये टाइम थोड़ा बहुत लगा सकता है, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वर्किंग करता है, सभी फाइलों को ट्रांसफर करेगा A to Z और उसके बाद में ऑप्शन आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर चेंज सक्सेसफुली। ओके पर हम क्लिक कर देंगे, तो जैसे हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आप देख रहे हो फाइनेंशियल ईयर अब हमारा यहाँ पर 2022-23 का आ गया है। अब आने के बाद में आपको क्या करना होगा, वापस जाना होगा इस हाउसकीपिंग के ऑप्शन के ऊपर और यहाँ से आपको एक बार अपनी बुक्स को रीराइट जरूर कर लेना है और उसके बाद में अपडेट मास्टर बैलेंस इसको भी जरूर अपडेट कर लेना है, क्योंकि कई बार बिजी सॉफ्टवेयर में जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो डाटा होता है यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, चाहे वो कस्टमर का है, चाहे वो हमारे सप्लायर्स का है, चाहे किसी भी लेजर का ओपनिंग बैलेंस हो, कई बार उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए एक बार इस बुक को आप रीराइट जरूर कर लें। यू कैन प्रोसेस लेटेस्ट बैकअप के साथ में ओके पर क्लिक करेंगे और ओके पे आपको करना है तो आप देखोगे इससे सारा जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है ये सब कुछ अपडेट कर देगा, जितनी भी इसको फाइलें मिलेगी। अब आपके पास फाइलें ज़्यादा तो ये थोड़ा टाइम लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बीच में कोई स्केप क्लोज कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक ये सक्सेसफुली हो जाएगा। और उसके बाद में आपको एक बार अपडेट मास्टर बैलेंस पर भी जरूर क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो डाटा है वो सक्सेसफुली 2022-23 का ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है, वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।